नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। हम तमाम पत्रकारों की तरफ से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं और इस शर्ट में तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये हमारा नहीं है, दूसरा का है। सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले श्रोताओं को पैर छू के प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका भाई, आप सबका बेटा, और कोशिश रहती है जो कभी कभी जब बॉम्बे में रहता हूँ तो मीडिया से हूबहू का बोला जला हो रूबरू हो लानू। तो अभी भी कमज़ोर है मेरा इंग्लिश थोड़ा सा। ये रूबरू हिंदी है ना? हाँ, ये हाँ तो बताओ भोजपुरी बोलो हम ठीक से। अंग्रेजी ना आवेला तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, आप लोग का प्यार मिलता है भोजपुरी में, इसीलिए ज़्यादा भोजपुरी खींच देते हैं। आइए पूछिए। आप इंग्लिश भी बोलते हैं? हाँ, या यस नो वेरी गुड, चारे को है, इसी पे खींच रहे हैं आज 8-10 साल से। बेहतरीन, आपकी ये इंग्लिश भी बहुत बेहतरीन है और सुनने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, कभी किसी भी कोशिश नहीं की कि चलिए बहुत सारी इंग्लिश सीख ली जाए, आप भी बॉलीवुड स्टार्स की तरह इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, कोई भोजपुरी में सवाल पूछे और आप इंग्लिश में जवाब दें? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, हम जिस स्कूल से पढ़े हैं ना, उसमें पहले लाठी धराया जाता है, लाठी के बाद चार को भैंस, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इतना जल्दी और पढ़ने की क्षमता हमारे पास नहीं थी कि मैं पढ़ सकूं, और पैसे की क्षमता नहीं थी। अपने अंदर तो था कि आदमी पढ़े, लेकिन दिक्कत ही रहे जो पैसा कम रहे, एगो बाबूजी कमाए वाला, सात भाई खाए वाला, तो मैं प्रॉब्लम रहे, ऐसे आदमी ना पढ़ पावल। एगो कपड़ा किनाओ तो सात भाई पहनी जाते, तो के हम पढ़ाई करके कपड़ा पहनी, तब तो देहियो ढकल जरूरी रहेला। तो कोशिश रहता है आदमी जे जहाँ आज है वहाँ इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अच्छे काम करने की ज़रूरत है, सलीनता के साथ जीने की ज़रूरत है, लोगों को सम्मान करने की ज़रूरत है हमें, तो वो हमें आता है। और ये भी मैंने लोगों से ही सीखा है, और ज्ञान का कोई किताब नहीं होता है, ज्ञान तो आप सबसे मिलता है, बुजुर्गों से मिलता है, समाज से मिलता है, और जितनी की ज़रूरत, जितनी ज्ञान की ज़रूरत है, उतना कोशिश करता है आदमी की किसी को अपने तरफ से तकलीफ ना हो। अब इसी के साथ जीवन चल रहा है, तो कोशिश करता है ऐसे ही चलता रहे बाकी के। अच्छा, हीरो बनने के बाद, स्टार बनने के बाद बहुत सारे लोग इंग्लिश में क्रैश कोर्स होता है जिसमें बोलचाल की इंग्लिश सिखाई जाती है। अच्छा, तो ये क्रैश कोर्स एक करके कहे में हमारा कम से कम 9 महीने लगी बाबू। दिक्कत ही बा जे क्रैश कोर्स जो होता है ना, ये हमारे लिए क्रॉसिंग के दर्द की दवा की तरह है। तो प्रॉब्लम आनंद जी आप तो जानते ही हैं, आप तो मेरे मित्र ही हैं, तो आप तो जानते ही, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड मेरे आसपास मत भटकने दीजिए। कोशिश करिए जो हम जिस भाषा के प्यारे हैं, जिस भाषा के बेटा हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि हम स्टार हैं, नहीं पढ़े लिखे इसलिए स्टार, दुनिया के नज़र में स्टार हैं, दुनिया के प्यार में हैं। आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी मत पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आपके पास अगर क्षमता है तो आप पढ़ाई से अपने मम्मी पापा का विश्वास को और दुनिया में नाम रोशन करने का आपके पास वो क्षमता है तो आप करिए। हमारे पास वो औकात हमारी नहीं थी जिसे हम स्कूल तक जा सकें, फिर भी हमारे पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अकेला कमाने वाले और सातों भाई को थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया उन्होंने, जब होश संवाले तो खुद कमा के जितना पढ़ना था पढ़े, और उसके बाद मन कम लगता था पढ़ैया में, ज़्यादा तनी ही सब गाना वाना जब गाने लगे ना तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अब किताब से दूरी हो गया, तो आदमी सोचा कि चलिए जो जीवन में दो पैसे आ रहा है, तो उस समय ये था कि गरीबी को कैसे हटाया जाए अपने जीवन से। तो हम 14-15 साल से ही, 12-13 साल से ही वर्क करने लगे, काम करने लगे। हम 8 साल के, 7 साल के थे तब से गाना बजाने में आ गए। तो ज़रूरी ये था कि पापा की जो मेहनत है उसको हल्का कैसे किया जाए, तो सब भाइयों ने मिलकर हमने यही कोशिश की कि हम पापा के वर्क को थोड़ा सा हल्का कर दे, अपने ऊपर ले ले, ताकि हमारा भी ईटा का घर हो, हमारा, हमारे सर के नीचे भी छत हो, हमारे पास भी अच्छे कपड़े हो। तो आज पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद से हर वो चीज़ मैंने बावे हमारा लगे तो आदमी ठीक है बा, और ठीक ठाक से चला था जीवन। और का हम अपना जिंदगी में इतना भागल बनी ना कि का कहीं हम, शायद अगर हम आप सबसे बोले तो मेरे पास एक चीज़ की खुशी तो होती है कि मेरे पास कुछ तो है जो मैं दुनिया को बता सकूं। अगर मैं अमीर होता तो शायद मेरे पास कुछ नहीं होता बताने के लिए, लेकिन मेरे पास एक इतनी लंबी रास्ते हैं जो उस रास्ते में इतने सारे डिवाइडर हैं, इतने सारे ठोकर हैं,
इतने सारे ब्रेकर हैं कि मेरे पास वो चीज़ें हैं कि कितने ब्रेकर मेरे जीवन में लगे हैं, कितने सारे ठोकर लगे हैं। तो रास्ता ऐसा चीज़ है कि रास्ता एक मंजिल का रास्ता है और रास्ते में मोड़ बहुत आती है, जिस रास्ते में मोड़ नहीं होती है वो हाईवे होता है। तो आज भी हम एक रास्ते पे ही हैं, हाईवे पे नहीं पहुँचे हैं, और हाईवे पे थोड़ा सा गाड़ी ज़्यादा रहती है तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए जीवन को जहाँ से चल रही है कोशिश हमारी यही रहती है सो जीवन को बस सलीनता के साथ चलाएं, और कोशिश यही रहती है कि बस किसी को तकलीफ मेरे वजह से नहीं हो। खेसारी जी, कहा गया है कि स्पोर्ट्स पर आधारित, खेल पर आधारित भोजपुरी की पहली फिल्म होगी भाग खेसारी भाग। हाँ, भाग खेसारी भाग की कहानी जो है, मैं आपको क्या बताऊँ, जब सिनेमा कोई देखेगा तो समझ में आएगा कि अगर हम अपने बच्चे को ही पनौती मान लें तो शायद दुनिया उसको पनौती मान ही लेती है, लेकिन हमारे अंदर वो अगर शक्ति है, हमारे अंदर वो सलीनता है, हमारे अंदर वो करने की क्षमता है, तो हम दुनिया की हर वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और वही सिनेमा में दिखाया गया है कि एक नकार बिल्कुल बेकार आदमी और अपने देश के लिए ऐसा कुछ कर जाता है कि जो पापा उसे जीवन में कभी बात नहीं किए वो सरमस्तक हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने आज मेरे जीवन का हर वो खुशी दे दिया। एक हरिबच्चन राय जी का एक मैं कहानी सुना था कि जब स्ट्रगल कर रहे थे बच्चन साहब, तो सब लोग हरिबच्चन राय जी का और बोल रहे थे कि अरे एक लड़का है, हरिबच्चन राय जी का लड़का है। लेकिन जब जंजीर सिनेमा रिलीज हुई तो हर आदमी ने बोला कि अरे वो जो नया हीरो आया है ना बच्चन, उसके पिता हैं ये। तो उन्होंने बच्चन साहब से बोला कि बेटा मेरी स्ट्रगल ख़त्म हो गई, पहले दुनिया मेरे नाम से तुम्हें पुकारती थी, आज तुम्हारे नाम से मुझे पुकारने लगी, तो मेरा स्ट्रगल ख़त्म हो गया तुम्हारे लिए, और आज मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपने आप बेटा को एक जगह दे दी है। तो आज से ईश्वर से और हर बाप का यही इच्छा होता है, तो हमारे पापा का भी यही इच्छा था इस सिनेमा में, लेकिन हमारे पापा ने कभी मेरा साथ नहीं दिया है इस सिनेमा में, लेकिन जब मैं उस तक पहुंच गया हूं तो सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को हुई है तो मेरे पापा ही हैं, जिनको खुशी होती है इस सिनेमा में कि नहीं हम अपने बच्चे को ही अगर पनौती मान ले तो शायद इस दुनिया का हर आदमी हमारे बच्चे को पनौती ही समझेगा। तो हम अपने बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, और हर बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को प्यार दे, उसको गलत निगाह से ना देखे। और इसमें कुछ ऐसा हुआ है, सिचुएशन ऐसी आई है जिसकी वजह से पापा मेरे से नफरत करते हैं, और मैं उनके सपने को पूरा करता हूँ, और आखिरकार उनको मानना पड़ता है कि नहीं हमारा बेटा बेस्ट है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.